हाय एवरीवन, स्वागत है आपको फिर से एक नई वीडियो में। सो गाइज, आज मैं बताने वाला हूँ कि इस टाइप का फोटो एडिटिंग कैसे करते हैं और किस एप्लीकेशन से करते हैं। गाइज, तो सब कुछ बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। गाइज, आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से बैकग्राउंड का कलर एंड शर्ट टी शर्ट का कलर चेंज हो चुका है एंड फेस भी गोरा हो चुका है। तो इस टाइप का एडिटिंग बताऊंगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, हम आ गए मोबाइल के होम स्क्रीन पे। सबसे पहले इस फोटो को शेयर करेंगे लाइट रूम अप्लीकेशन में। सो गाइज, लाइट रूम अप्लीकेशन में ही आपका ये फेस गोरा होगा। तो इम्पोर्ट फिनिश पे क्लिक कीजिएगा ऊपर में एंड ऑल फोटो पे क्लिक करके अपना फोटो सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी शेयर किए थे। एंड गाइज, स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको लाइट का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली उस पर क्लिक करके एक्सपोजर को बढ़ाइएगा, कंट्रास्ट को भी बढ़ाइएगा। एंड यहाँ से कंट्रास्ट को इतना रखते हैं एंड हाईलाइट को भी बढ़ाते हैं। एंड गाइज, यहाँ से बगल में कलर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके ऊपर में मिक्स का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। एंड गाइज, फेस को गोरा करना होगा तो हमें ये कलर सेलेक्ट करना होगा एंड सिचुएशन को माइनस करना होगा एंड लेमिनेंस को बढ़ाना होगा। तो गाइज, अब देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा फेस गोरा हो रहा है। तो गाइज, इस तरह से फेस को हम गोरा कर लेंगे। एंड गाइज, इस वाले कलर पे आएंगे रेड पे एंड इसकी सिचुएशन को हल्का से बढ़ाएंगे एंड लेमिनेंस को बढ़ाएंगे। तो गाइज, इतना करने के बाद येलो कलर पर आएंगे, इसकी सिचुएशन को बढ़ाएंगे एंड लेमिनेंस को भी बढ़ाएंगे। एंड गाइज, ग्रीन कलर पर आएंगे, इसकी सिचुएशन को बढ़ाएंगे एंड ह्यू को हम माइनस रखेंगे। तो इतना रखते गाइज, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा कलर चेंज हो रहा है। तो गाइज, आप यहाँ पर भी कलर चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एंड गाइज, तो मैं ये रखता हूँ एंड यहाँ से इतना कर देता हूँ एंड इसका सिचुएशन बढ़ा देता हूँ एंड इसका भी बढ़ा देता हूँ। एंड इन सभी का सिचुएशन बढ़ाने के बाद गाइज कर देना है यहाँ से आपको डन। डन करने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाना है, यहाँ से क्लैरिटी बढ़ानी होगी। एंड गाइज, डिटेल्स पर आना होगा, शार्पनिंग को बढ़ाइएगा एंड नीचे की ओर आइएगा। तो गाइज, अभी दिखाता हूँ गाइज कैसे फेस स्मूथ होता है हमारा। तो नॉइज रेजोल्यूशन को आप बढ़ाइएगा तो इस तरह से हमारा फेस है बहुत ही अच्छे से स्मूथ होगा गाइज। तो बहुत ही अच्छे से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है, देख सकते हो गाइज। तो इस तरह से हम करेंगे एंड नीचे कई और आएंगे, कलर नॉइज को बढ़ा करके स्मूथनेस को बढ़ाएंगे 70 के आसपास। एंड गाइज, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा फेस स्मूथ हो गया है। एंड ऑप्टिक पर जाकर इन दोनों को अलाउ कर दीजिएगा। तो गाइज, ये हो गया मेरा यहाँ पर एडिटिंग, फेस गोरा हो चुका है। तो यहाँ पर हम शेयर करेंगे पिक्सआर्ट में, तो शेयर टू पर क्लिक कीजिएगा एंड यहाँ से पिक्सआर्ट में शेयर कर दीजिएगा गाइज। तो गाइज, अभी हम करने वाले हैं सीवी एडिटिंग, बैकग्राउंड का कलर चेंज करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पर जाइएगा एंड नीचे की ओर आइएगा तो कलर का ऑप्शन दिखेगा गाइज, उस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ से आपको ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो एक सर्कल आएगा, उसको पकड़ कर आपको बैकग्राउंड में छोड़ देना है, तभी आपका ये बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट होगा। एंड इन दोनों को फुल करके इस तरह से माइनस प्लस कीजिएगा ह्यू को एंड ऊपर में इरेजर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका बैकग्राउंड में सेलेक्ट हो जाएगा। एंड जो आपके फेस में एंड हैंड में आए होंगे उसको सिंपली आपको इरेज कर देना होगा। तो हम कर लेते हैं इरेज। सो गाइज, इस तरह से इरेज कर लीजिएगा एंड यहाँ से कर दीजिएगा डन। डन करने के बाद गाइज, ह्यू को माइनस प्लस करके आप बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो, सॉरी गाइज, आप जो कलर रखना चाहते हो वो रख सकते हो गाइज। तो फिर से डन करने के बाद इफेक्ट पे जाना है एंड यहाँ से गाइज ब्लर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से सेकंड नंबर वाले ब्लर का ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से इरेजर ऑप्शन पर जाना है। एंड गाइज, यहाँ से बैकग्राउंड पर फिर से कर देना है क्लिक एंड ये बैकग्राउंड में हो जाएगा सेलेक्ट। एंड जो पार्ट मेरा ये एक्स्ट्रा हो चुका है उसको आपको कर देना होगा इरेज। तो कर लेते हैं हम इरेज, इस तरह से कर लीजिएगा इरेज। इरेज करने के बाद गाइज करते हैं डन। डन करने के बाद फिर से एक बार क्लिक करेंगे इस पर एंड यहाँ से ब्लर का स्ट्रेंथ बढ़ा भी सकते हो और घटा भी सकते हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग रखिएगा। तो इस तरह से हम कर लेते हैं एंड यहाँ से इफेक्ट वाले ऑप्शन पर जाते हैं। इफेक्ट पर जाने के बाद गाइज, यहाँ से आपको इस तरह से स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे आपको कलर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से सेकंड नंबर वाले कलर को ऑप्शन को सेलेक्ट करना है एंड ऊपर में एक इरेजर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से गाइज इन्वर्ट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। एंड गाइज, अपने यहाँ से आपको रजिस्टर वाला ब्रश सेलेक्ट करना है एंड यहाँ से आपको टी शर्ट पर रजिस्टर कर देना होगा गाइज। तो कर देते हैं टी शर्ट पर रजिस्टर एंड यहाँ से करते हैं डन। डन करने के बाद गाइज, यहाँ से एक बार क्लिक कीजिएगा एंड ह्यू को माइनस प्लस कीजिएगा तो आपका कलर चेंज होगा, जो कलर आप रखिएगा और रख करके डन कर दीजिएगा। एंड फिर से आपको सेम वही काम करना है, यहाँ से आपको रजिस्टर और ब्रश पर जाकर के इन्वर्ट कर दीजिएगा कलर पर जाकर के एंड यहाँ से रजिस्टर और ब्रश सेलेक्ट कीजिएगा एंड इस तरह से आपके अपने जैकेट पे इस तरह से अप्लाई कर दीजिएगा एंड यहाँ से कर दीजिएगा डन। डन करने के बाद गाइज, आपको फिर से इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ से हम रेड कलर सेलेक्ट करते हैं ह्यू को बढ़ा कर करके। एंड गाइज, यहाँ से कलर ब्राउन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ से कर दीजिएगा डन। सो गाइज, देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा कलर हो गया हमारा शर्ट का। एंड यहाँ से गाइज टूल्स पर जाएंगे एंड यहाँ से एडजस्ट वाला ऑप्शन पर जाएंगे एंड गाइज, यहाँ से इस तरह से क्लैरिटी बढ़ाएंगे एंड गाइज, यहाँ से हाईलाइट भी हल्का सा बढ़ाएंगे तो हल्का सा माइनस कर देंगे एंड सिचुएशन को माइनस करेंगे एंड टेम को भी माइनस करेंगे एंड यहाँ से कर देंगे डन। सो गाइज, ये देख सकते हो बहुत ही अच्छे से हमारा एडिटिंग हो चुका है। सो गाइज, मेरा नीचे वाला पार्ट छूट गया है। सो गाइज, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से गैलरी में सेव कर देना है। सो गाइज, ये हो जाएगा आपको गैलरी में सेव। तो गाइज, देख सकते हो बहुत नीचे से हमारा कलर पेंटिंग छूट गया है। तो गाइज, आप ध्यान से कीजिएगा, हमने थोड़ा फास्ट करी है। तो गाइज के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो यार।